हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिम का ट्रिक अपडेट को लेकर। तो जैसा कि मैंने फीडबैक वाली वीडियो में कहा था, जितनी पुरानी ट्रिक 2019 में थी उन सभी को रिफ्रेश करके अब मैं 2020 फिर से देने वाला हूँ। इस रिफ्रेशमेंट का मेन पर्पस है कि बहुत सारी ट्रिक्स में से कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ चेंज हुई है, ठीक है, तो सारे अपडेट्स भी आ जाएंगे, सब इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस वीडियो में सिम की ट्रिक को लेकर बात करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज अपडेट देने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे सवाल थे लोगों के कि अनलिमिटेड फेसबुक आईडी कैसे बनाए, फेसबुक आईडी ब्लॉक कर दे रहा है, ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि अनलिमिटेड लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सिम की ट्रिक को लेकर, एकदम प्योर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, एकदम कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि अगर सिम काम किस तरीके से करता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है इंस्टॉल करने का, उसमें आपने क्लिक करके सिम को इंस्टॉल किया, तो आपने फोन नंबर या फेसबुक आईडी से साइन अप कर लिया। साइन अप करते ही आपको साइन अप रिवॉर्ड मिल गया जो कि ₹100 का होता है, जो आपको भी सामान मंगाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सरते वो सामान 149 के ऊपर का हो, ठीक है, यानी 149 का सामान अगर मंगाते हैं तो ₹50 आपको देना पड़ेगा, और मोस्टली 99% प्रोडक्ट्स फ्री शिपिंग ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बगल में ऑप्शन मिल जाता है रेफर एंड अर्न का, ठीक है। जैसे आपने उसको अपने WhatsApp में शेयर करते हैं, WhatsApp अगर नॉर्मल WhatsApp ही होना चाहिए, WhatsApp बिजनेस में भी शेयर नहीं होता है, तो WhatsApp आपके फोन में होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट WhatsApp में शेयर होता है। तो मैं पहले जनरल तरीका बताता हूँ, उसका ट्रिक पे आते हैं। जैसे आपने WhatsApp में लिंक शेयर किया और किसी दोस्त को, अगर कोई अदर फोन जो भी चाहे, वो फोन फैमिली का किसी का भी हो, तो अभी जो आपने लिंक शेयर किया उसी लिंक से उसने सिम को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जैसे उसने अपने नंबर या फिर फेसबुक आईडी जैसे उस पर साइन अप किया, उसका ₹100 रिवॉर्ड मिल गया। और जैसे उसने कुछ ऑर्डर किया, भले 149 का ऑर्डर किया, ₹50 उसको ही लगा, ठीक है, ₹50 जैसे कुछ सामान उसने ऑर्डर किया फ्री शिपिंग के साथ, जैसे वो उसका डिलीवर हो जाता है आपके अकाउंट में ₹100 आ जाता है, यानी आपका अकाउंट पहले ₹100 था और ये ₹100 जो रेफर करके आपको मिला, ₹200 हो गया, तब ₹200 का सामान है तो बिल्कुल फ्री मंगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सोच रहे हैं कि 450 का मोबाइल है, कीपैड मैं लेने का सोच रहा हूं, तो पूरा अगर मैं 4-5 रेफर करता हूं तो उससे मेरे को फ्री मिल सकते, पर ऐसा नहीं होता है। आप एक बार में वॉलेट का मैक्सिमम 200 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और जिसमें से 149 के ऊपर होना चाहिए, मतलब अगर आपको प्योर फ्री प्रोडक्ट चाहिए ना, तो 149 से 200 के अंदर प्रोडक्ट चूज कीजिएगा, उससे आप पूरा फ्री में सामान आ सकते हैं। तो अभी तक मैंने 800 सामान मंगाया है सिम से, और अभी तक मैंने कम से कम 600 का अनबॉक्सिंग भी शो कर चुका हूं इस चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं, और सिम प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक तरीका किस तरीके से आप रेफर एंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप एक ही फोन में आप कैसे कर सकते हैं। अगर अब आते हैं ट्रिक पे, देखिए ट्रिक पे ऐसा कुछ नया ऐड मैंने नहीं किया है, लेकिन कुछ टिप्स हैं, कुछ थोड़े मोड़े हैं जिनको मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। मैं प्रोसेस बहुत कुछ वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था इसी वजह से। चलिए आपको बेसिक तो क्लियर हो गया किस तरीके से काम करता है, रेफर करना पड़ता है और रेफर कोई मंगाता है तो वैसे करके आता है। तो जैसा कि मैंने पिछले सिम ट्रिक वाले वीडियो में कहा था कि सीरीज बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 5 सीरीज बनाते हैं, ठीक है, आपने पहला से रेफर किया, दूसरा को दूसरा से रेफर किया, तीसरा को तीसरा से रेफर किया, चौथा से रेफर किया, पांचवा को, ठीक है, एक व पांचवा ये आपका आईडी है, ठीक है, चाहे फेसबुक आईडी से किया हो या फिर फोन नंबर से किया हो, ठीक है। और सिम में दो ही तरीके से हो सकते हैं लॉगिन, या तो नंबर होना चाहिए या तो आपका फेसबुक आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको पांचवा में आप मान लीजिए 150 सामान मंगा लेते हैं, ठीक है, 150 सामान यानी ₹100 माइनस हो गया, ₹50 में आपका आ गया, ठीक है। जैसे इसका सामान डिलीवर होता है आपको चौथा में 100 आ गया, इसमें आप ₹200 हो गया, अब ₹200 हो गया, 200 फिर सामान मंगे जिससे डिलीवर होता है इसमें आ जाएगा, इस तरीके से ₹50 में अब जिस तरह इतना लंबा सीरीज बनाएगा उतना का फायदा ले सकते हैं। इस तरीके से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत सारे सामान मंगा लिया, मेरे गाँव के लोगों ने बहुत सारे सामान मंगा लिया, ठीक है। तो ये तरीका इस्तेमाल के आप भी मंगा सकते हैं, ठीक है, तो आप एक डिवाइस में कर सकते हैं। तो रेफरल काउंट किस तरीके से हो जाते हैं अगर आप एक ही फोन में करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने रेफरल लिंक अपना जनरेट किया, ठीक है, उसके बाद आपने जो करंट सिम ऐप है जो है उसको अनइंस्टॉल कर दिया, फिर उस रेफरल लिंक में क्लिक करके अगर दोबारा से इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद अगर अपना कोई भी अदर नंबर जिससे आपने रेफरल जनरेट किया उसको छोड़ के कोई अदर नंबर से उसमें साइन अप करते हैं, चाहे फेसबुक आईडी हो या फिर फोन नंबर हो, तो उसका फिर उससे कुछ ऑर्डर करते हैं, तो उसका जो रेफरल का जो पैसा होता है वो आपको फर्स्ट में मिल जाता है। इस तरह से रेफरल काउंट हो जाता है। लेकिन बहुत को ने जितना सारा फोन नंबर था घर में अगल बगल उधर इस्तेमाल कर लिया, अब बारी आता है फेसबुक आईडी, जितना फेसबुक आईडी था उसमें इस्तेमाल कर लिया, अपने दोस्तों को सब फेसबुक आईडी इस्तेमाल कर लिया, अब बाकी आता है प्रॉब्लम जब तब होता है जब अपने कोई अलग अलग फेसबुक आईडी बनाना चाह रहे हैं अलग अलग जीमेल के, ठीक है। तो चलिए आप आते हैं कि कैसे आप एक फोन में अलग अलग फेसबुक आईडी मतलब अनलिमिटेड फेसबुक आईडी बना के कैसे आप अनलिमिटेड सामान मंगा सकते हैं सिम से। तो चलिए उसको देख लेते हैं। मैंने बहुत सारा ट्रायल एंड एरर किया, बहुत सारा अलग तरीका लगाया लेकिन लास्ट में एक तरीका मिल ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अनन्य कपूर, ये मेरा फेक आईडी है जिसको मैंने बहुत पहले बनाया था, ठीक है, इसमें सिर्फ जीमेल दिया, फोन नंबर वगैरह नहीं दिया, ठीक है। तो रेफर काउंट करने का तरीका मैं बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले लिंक जनरेट कर लेना है, व्हाट्सएप में डायरेक्ट शेयर करने बोले, तो मेन सिम ऐप को अनइंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इस लिंक में क्लिक करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करने का फर्क नहीं पड़ता, उसका देखिए आपको क्या करना है,
ठीक है। तो मैंने इस तरीके से अभी अभी ये कंफर्म नहीं है कि रेफरल पूरे तरीके सही से काउंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पहले जो भी एप्स के रेफर काउंट होते हैं वो इसी तरीके से मैं किया करता था। तो मैं भी शायद इसका भी इस तरह से काम करें, तो उसी को टेस्ट करने के लिए अगर आपको पर कन्फर्म होना है तो 3-4 दिन के बाद मैं डाल दूंगा, क्योंकि टेस्ट प्रोडक्ट में अभी आपके सामने मंगा के देखता हूँ ठीक क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पैरल स्पेस का सब कुछ क्लियर कर दिया था, बैकग्राउंड डाटा, ठीक है। तो मैं पैरल स्पेस ऐप को ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पैरल स्पेस कहाँ गया, ये पैरल स्पेस कहाँ गया, हाँ ये रहा पैरल स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रेफर काउंट पहले किया करता था, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा से कर लेता हूँ, सिम को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने जस्ट जो फेसबुक अकाउंट बनाया है मैं उसी को इसमें डालूंगा। तो स्टार्टिंग सिम हो रहा है और ठीक है, चलिए सिम ओपन हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये फेसबुक अकाउंट जस्ट मैंने अभी बनाया, अभी जस्ट के जस्ट देख सकते हैं, कोई फ्रेंड वगैरह इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको अब इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, ये सक्सेसफुल कन्फर्म अकाउंट आ रहा है, तो इसको मैं अभी ट्राई करता हूँ एक बार करके, ठीक है। यहीं पे ये वाला है तो फेसबुक से करना है, तो मैं ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली कि थोड़ा देर पहले हो गया था, तो फिर से दोबारा ट्राई करते हैं, या फिर हो सकता है 1-2 घंटा का टाइम मांगता होगा, अब एनीथिंग कैन बी हैपन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना, किस ईमेल से किया था, RVR स्टूडियो वन से किया था, ठीक है। पासवर्ड लॉग इन करें तो ये आ गया कंटिन्यूस कुमार, कुमार महतो के नाम पे किया था, नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो अनन्या है उसके बाद जो रूपम कुमार महतो है, ठीक है, वो मेरा ले लिया था, लेकिन कुछ देर बाद फिर मैं दोबारा ट्राई करके देखूंगा होता है नहीं होता है, फिर मैं कुछ अपडेट्स इसमें डाल देता हूँ, उसका मैं ट्राई करते हैं होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ पर अभी बहुत सारी डिटेल्स नहीं ली है, तो मैं दोबारा से ट्राई करके देखता हूँ अलग अलग चीज़ें डिटेल्स वगैरह डालने की, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। मैंने डाल दिया, ठीक है। मैं दोबारा एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं ले रहा है कि नहीं ले रहा है, फेसबुक डाल के मैं फिर से ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। दोबारा से डालते हैं RVR123, उसका पासवर्ड डाल देते हैं कि ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी ये हो रहा है, देखिए फेसबुक कुमार वो आ गया, ठीक है, ले लिया। बस बस थोड़ा सा टाइम देना होता है, टाइम नहीं देना होता, उससे पहले आप प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सब उसमें डाल दीजिएगा, जो जो डिटेल मांग रहे हो वो डाल दीजिएगा, उसका दिल लेगा, ठीक है। मैं फिर से फेसबुक क्लिक कर रहा हूँ, इस बार कन्फर्म डेफिनेटली ले लेगा, ठीक है। तो मैं एज ए टेस्ट प्रोडक्ट में इसको एक सामान मंगा भी लूंगा, ठीक है, ताकि एकदम कन्फर्म हो जाए कि रेफर काउंट हो रहा है कि नहीं काउंट, कि रेफर मैंने से अनन्या पांडे जो भी था वो रहा उसका मैंने डाला है, ठीक है। तो देखते हैं ओपन होते हुए, और ये हो गया, ठीक है, सो वॉलेट में मिल गया। तो मेरे को एक सामान मंगा लेता हूँ जो मेरे काम का भी होगा और इस तरीके से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी घड़ी उड़ी भी मिल जाता है, डायरेक्ट सर्च करते हैं तो बहुत सारे आइटम मिल जाते हैं, मैं उसको कर देता हूँ। और डायरेक्ट अगर सर्च करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं सब एकदम उसी के अंडर होंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो ये होते हुए तो सब 199 क्या था, तो मैं डायरेक्ट से नहीं सर्च करता हूँ, या फिर कोई भी सामान मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। तो यही एक प्रोडक्ट है जो मेरे को भी मिल रहा है जो यूज़फुल हो सकता है, तो मैं इसी को मंगा लेता हूँ, ठीक है। तो गो टू बैग जाता हूँ, 100 रुपये तो वॉलेट में था ही, तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये माइनस वगैरह, तो 60 रुपये मेरे को पे करना पड़ेगा। तो अगर टेस्ट प्रोडक्ट इसको मंगाना है तो टेस्ट वगैरह सब कुछ मैं लिख लूँगा, सब एड्रेस वगैरह डाल लेते हैं। तो मैं इसको अनन्या टेस्ट के नाम पर देख सकते हैं, मैं मंगा लेता हूँ ताकि जब डिलीवर हो 3-4 दिन में तब मैं आपको क्लियरली शो कर सकूँ रेफर काउंट होता है कि नहीं होता है। तो यही तरीका है जनरली, तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ। और तो यहाँ पे वो क्लियर फ्री शिपिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए 60 रुपये शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं पे कर देता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं पेटीएम से भी कर सकते हैं, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी मारता हूँ, प्लेस चेन पे कैश ऑन डिलीवरी, और ये ऑर्डर हो जाता है, और ये देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो चुका है। मैं भी ऑर्डर डिटेल्स में आके शो कर देता हूँ, यहाँ पे मेल भी हो चीज के लिए, हाँ सिमसिंग ऑर्डर इन प्लेस्ड, ठीक है, सब कुछ आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है। तो जैसे ही आपको डिलीवर होता है मैं आपको उसके अलग वीडियो डाल सकता हूँ। लेकिन तो जब मैं भोबा का ट्रिक इस्तेमाल करता था तो यही तरीका मैं लगाया करता था, तो जैसा कि हो रहा था कि रेफरल लिंक में क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मेरा सिमसिंग ऐप ओपन कर दे रहा था, लेकिन ठीक है बहुत सारे ऐसे डिवाइस में ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे डिवाइस में प्ले स्टोर लेके जाएगा, तो उसमें रेफर काउंट करना आसान होगा। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपका सिमसिंग पहले से इंस्टॉल है, लेकिन जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपका प्ले स्टोर लेके जा रहा है, तो 4-5 सेकंड रुक जाने के बाद और पैरेलल स्पेस का डाटा क्लियर करने के बाद दोबारा उसमें ओपन करते हैं और उसमें सिमसिंग फिर से ओपन ओपन करते हैं तो रेफरल काउंट हो जाता है। तो जैसे मेरा सिमसिंग ऐप ओपन हो जा रहा था, अगर आपका मैं उससे प्ले स्टोर ओपन हो रहा था आपके रेफर काउंट करना आसान है, ठीक है। मेरे को 90% भरोसा है कि इस तरीके से काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी ये तरीका आजमा मत आजमाए, अभी आपके घर अगल बगल जितना भी फोन नंबर दोस्त का घर में और या फिर आपके दोस्तों के फेसबुक आईडी, आपके जितने फेसबुक आईडी जितने पुराने फेसबुक आईडी बना के रखे ना फेक चाहे ओरिजिनल, वो सारे काम करेंगे।
ठीक है, लेकिन पुराना होना चाहिए। अभी न्यू तो अभी काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें काम कर रहा था, पैरेलल स्पेस में काम कर रहा था, लेकिन इसमें रेफरल काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेन प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो मैंने टेस्ट के लिए एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। ठीक है, जैसे वो 4-5 दिन डिलीवर होता है, तो डिलीवर होता है तो मेरा जो अनन्या वाला है फेक आईडी, उसमें 100 रुपये और आना चाहिए। ठीक है, उसमें अगर आ जाता है, यानी रेफरल काउंट हुआ है, तो 4-5 दिन इंतजार कीजिए। टेस्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया है जिसको 60 रुपये मेरे को पे करना पड़ेगा, तो जैसे वो मेरा काम कर जाता है, मैं उस 4-5 दिन बाद एक और वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो वो एक्यूरेट एकदम ट्रिक होगा। ट्रिक अभी भी वर्किंग है। ट्रिक को अगर समअप करूं तो क्या है भी ट्रिक, आपके घर में अगल बगल जितना ही फोन नंबर उन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आपने जैसे अपने रेफरल लिंक जनरेट किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो उतना बार आपको इंस्टॉल कर लेना है और कॉपी में लिख के रख लेना है कि इसका रेफरल ये है, इसका रेफरल ये है, सब कुछ एक्यूरेट कर लेना है। अगर आपको कहीं कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिमसिम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एकदम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं वो लोग। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर को प्रॉब्लम था कि मेरा रेफरल का पैसा नहीं आया, यू नहीं आया, तो मैंने उनको नंबर दे दिया था सिमसिम के कस्टमर केयर का, तो उन्होंने उनसे बात किया तो उन्होंने उनका पैसा दे दिया। जिनका रेफरल काउंट नहीं हुआ है उनका पैसा वापस नहीं कर, उनको बोल दिया कि आपका रेफर कोई था ही नहीं, आपका रेफर में कोई गया ही नहीं। तो अगर आपका रेफर काउंट हुआ है तो आपको 100% आपको पैसा आपको दे दिया जाएगा, अगर पैसा आपको कहीं अगर फंस गया है तो। सिमसिम के मैं व्हाट्सएप कस्टमर केयर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, क्योंकि कॉल करने का नहीं है, सिमसिम में सिर्फ जो है व्हाट्सएप पे ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आई थी वीडियो को लाइक दे दीजिए, अभी तक जिनको सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे जो रेड बटन दिया हुआ है ना उस पर क्लिक कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल कर दीजिए, ताकि जो फ्यूचर में अपडेट्स है उनको आप मिस न करें। और वैसे भी अभी मैं जितने भी सारे अभी ट्रिक्स वगैरह 2019 में थे उन सबको रिफ्रेश करूंगा, सारे जितने भी ट्रिक्स थे उन सबको देखूंगा दोबारा से, और दोबारा से उनको रिफ्रेश करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो चलिए, बाय, हैव अ